हमारे प्रण को सुनकर के देश देशांतर के दीप दीपांतर के नेपाल, इस समय मिथिला के रत्न सागर सरोवर के निकट अपनी उपस्थिति दे चुके हैं। पुरबाहर सरसरित समीपा और उतरे जहता विपुल महीपा, दीप दीपांतर के नेपाल मैथिली प्रतियोगिता में सम्मिलित होने हेतु पधार चुके हैं। जैसा कि सर्वविदित है, सभी जानते हैं कि हमारा प्रण भगवान शंकर के पिनाक पर आधारित है। नित्य प्रति भगवान शंकर के पिनाक की अर्चना करते चले आए। आज अंतिम दिन है, चाहते हैं अंतिम वंदना कर ले, अंतिम अर्चना कर ले। चलो चलो, राज सेवक पूजन थाल लेकर के हमारे साथ में चलो। हेलो, हरे 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 महादेव, सुंदर प्रस्तुति में अवंतिका ब्यूटी पार्लर, अवंतिका ब्यूटी पार्लर खनघोल आपके द्वारा 20 मुद्राएं और सचिन गुप्ता जी बिलारी मऊ आपके द्वारा 20 मुद्राएं जनक जी को प्रसिद्ध। बहुत बहुत ब्यूटी पार्लर घनघोर आपके द्वारा क्षमा चाहेंगे 50 मुद्राएं जनक जी के लिए प्रसिद्ध। बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान पिनाकी के पावन पिनाक और बढ़िया करो उसको, मैया पार्वती के द्वारा पोषित पिनाक गजानन और खलालन के आह्लाद, प्रकांड पौरुष के प्रवर्तक, देवत्व एवं मनुष्यता के समर्थक, सत्य के प्रति समर्पित और शाश्वत का सुख संदेश देने वाली, हे महाकाल के दिव्य आयुध, जब से आप महाराज देवराज को प्राप्त हुए, देवराज इति ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपति न्यासोऽयं तस् भगवन् हस्तो दत्ते महात्मना, प्रीति युक्तस्तु सर्वेषां ददौ तेषां महात्मनां, तदेतद् देवदेवस्य धनुरत्नं महात्मना, न्यासभूतम तदानिष्टम इस्माकम पूर्वजे विभव। जब से आप महाराज देवराज को प्राप्त हुए, तब से आज तक हम निमि मनुष्यों के द्वारा नित्य प्रति आपकी वंदना आपकी अर्चना होती रही दयालु, किंतु कभी भी किसी के द्वारा भी आपके समक्ष कोई यातना नहीं की गई, किंतु आज मैं आपसे यातना करने आया हूं। और देखें ये धनुष यज्ञ की लीला, भगवान की सुंदर आरती जो लोग नहीं कर पाए आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है,
सभी लोग खाली हाथ न करना चाहिए, आरती नियम तो ये, बाकी हरी इच्छा। जय जय। बेटी सीता के लिए आज आपसे कुछ मांगने आया हूं। क्यों? क्योंकि बेटी सीता का वर्तमान और सीता का भविष्य आपकी उदारता पर निर्भर हो गया है। आज कौन बनेगा जनक का जामाता, वो कौन वीर है सीता की मांग और भाग्य कौन जो बेटी सीता के योग्य हो सकता है? उस वीर वर का निर्णय केवल आपको ही तो करना है, क्योंकि आपके विश्वास में ही तो मैंने कठिन प्रण ठाना है। ये कर लिया मैंने कठिन प्रण, अगर आपके ऊपर विश्वास न होता तो मैं कभी भी प्रण नहीं करता, क्योंकि कीमत पानी की नहीं, कीमत तो प्यास की होती है ब्याजी, कीमत मृत्यु की नहीं, कीमत तो सांस की होती है। यूं तो प्रेम इस संसार में सभी करते हैं, लेकिन कीमत प्रेम की नहीं, कीमत तो विश्वास की होती है। मिटा दे हर विपत्ति को, मिटा दे हर विपत्ति को, उसे ही आज कहते हैं। और बड़ा मजबूत ये धागा जिसे विश्वास कहते हैं, और आपके विश्वास पे ही तो मैंने ये प्रण ठाना है दयालु। ये कर लिया मैंने कठिन प्रण, तो पूर्ण करवाना तुम ही, और वो मांग सुनी, वो मांग सुनी है सिया की, तो मांग भरवाना तुम्हें, हाँ मांग भरवाना तुम्हें। कभी आपसे मांगा नहीं, पर आज मांगने आया हूं, और इस विश्वास के साथ मांगने आया हूं कि आशा का पुनीत दीप बुझ ना सके नाथ, कुल में कलंक का मयंक ना लगाना तुम, अभिमानियों का मानो चूर चूर करने को, आशुतोष के निधान यहाँ की झलकाना तुम। और सुन रहे हैं आप लोग महाराज विदेश जी की सुंदर वाणी। प्रभावित हुए प्रखर श्रीवास्तव जी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के लिए प्रदान हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। सीता के वैभव का विमल बिताल तन, सौरवान का प्रताप पुंज प्रगटाना तुम। और प्रभु सुता की सुशीलता शुभ्र सेवा का चुकाना मूल, और शिरध्वज की जगत में हसीना कराना तुम। और इसी विश्वास के साथ आपसे यातना करने आया हूं, तेरी चौखट में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम है, मेरी बिगड़ी बना
क्यों? क्योंकि छोड़ दी मैंने नैया तेरे नाम पर, और अब किनारे लगाना तेरा काम है। आप संत हैं और संत के जीवन में परोपकार के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। संत कभी अपने लिए नहीं जीते, ध्यान दीजिएगा, संत कभी अपने लिए नहीं जीते, संत तो समाज के लिए जीते हैं, संत तो संसार के लिए जीते हैं। और मेरे बंधुओं, इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं, इस संसार में जो अपने लिए जीते हैं, उनका ही इस संसार में मरण होता है। जो अपने लिए जीते हैं उनका ही तो इस संसार में मरण होता है, लेकिन जो दूसरों के लिए जीते हैं उनका मरण नहीं, उनका तो सदैव स्मरण होता है। संत केवल संसार को सुख देने के लिए जन्म लेते हैं। संत उदय संतत सुखकारी, विश्व सुखद जिम इंदु तमारी। संत केवल परोपकार के लिए ही जन्म लेते हैं। और हां, संसार में पांच ऐसे हैं जिनका उदय जिनका जन्म केवल परोपकार के लिए होता है मेरे बंधुओं। और वो पांच कौन है? तो सबसे पहले क्रम में आया संत बिटप सरिता गिरधरनी और परिहित हेतु सबन के करनी। पहले क्रम में आया संत। और दूसरे क्रम में आया बिटप। बिटप मानी पेड़। किसी ने पेड़ से पूछा कि ऐ पेड़, तुम परोपकार किस प्रकार से करते हो? तो पेड़ ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और अगर सूखने लगे तो जलाने के काम आए। और ध्यान दें, सुन रहे हैं आप लोग महाराज वीरेश जी की सुंदर वाणी। प्रभावित हुए नितिन सैनी, मोबाइल शॉप एंड इलेक्ट्रॉनिक बिलारी मऊ, आपकी ओर से 21 मुद्राएं, और दिलीप गोस्वामी, आपकी ओर से 10 मुद्राएं महाराज विदेश जी के लिए प्रदान हुई। बहुत बहुत धन्यवाद। हम सायादार पेड़ जमाने के काम आए, और अगर सूखने लगे तो जलाने के काम आए। फेंक मत देना म्याल को खाली समझकर, फेंक मत देना म्याल को खाली समझकर, शायद कभी शत्रु को डराने के। और भाई नितिन सैनी जी और बिक्कू शर्मा जी, ये 21 रुपए भेंट किए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। छोड़ मत देना मकान को कच्चा समझकर, छोड़ मत देना या बेच मत देना मकान को कच्चा समझकर, शायद कभी सिर छिपाने के काम आए। तो ये पांच हैं जिनका जीवन केवल परोपकार के लिए होता है। और पहले क्रम में आया संत। संत का जीवन ब्याजी एक फूल की तरह होता है, फूल। और आचार प्रवल लिखने लगे, क्या लिखने लगे? कि फूल कोई खिला जब किसी डाल में, तो धूल से रूप लेकर सबरना पड़ा। किसी ने फूल से पूछा कि तुम सबको सुगंध देते हो, तुम सबको सुगंध देते हो, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मिलता क्या है? तो फूल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि लेना और देना ये तो व्यापार है, लेना और देना ये तो व्यापार है, लेकिन दे के कुछ न लेना इसी का नाम तो संसार में प्यार है। तो किसी ने फूल से पुनः पूछा कि ऐ फूल, एक बात तुम ये बताओ कि जिस समय तोड़ने वाला तुम्हें तोड़ने लगता है, तो क्या उस समय तुम्हें पीड़ा नहीं होती? तो फूल ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि जिस समय तोड़ने वाला मुझे तोड़ता है, तो उस समय वो तोड़ने वाला इतना प्रसन्न होता है कि उसकी प्रसन्नता को देख करके मैं स्वयं की अपनी पीड़ा भूल जाता हूँ। और यही तो संत का जीवन है मेरे बंधुओं। और तभी तो आचार्य कहते हैं कि फूल कोई खिला
जब किसी डाल में तो धूल से रूप लेकर सबर न पड़ा, और प्यास धरती की तब बुझ सकी जब स्वयं वो सिंधु को बिंदु बनकर बरस न पड़ा। शुद्धता स्वर्ण की तब प्रमाणित हुई, अग्नि में तब तो हो जब निखर न पड़ा, अग्नि को तब तो हो जब निखर न पड़ा, और विश्व में जब महादेव कोई बना तो मूंद कर आंख विषपान करना पड़ा, मूंद कर आंख विषपान करना पड़ा। और इसीलिए अमृत पीने वालों को हम देव कहते हैं, अमृत पीने वालों को हम देव कहते हैं, लेकिन जो विष पीते हैं उन्हें देव नहीं, उन्हें तो महादेव कहते हैं। और महादेव के जीवन से हमें यह ज्ञान प्राप्त होता है, भगवान शंकर के चरित्र से हमें यह शिक्षा मिलती है कि थोड़ा थोड़ा जहर पीने का अभ्यास हम लोग भी करें। क्यों? क्योंकि इस समय राजनीति का, कूटनीति का जहर फैल रहा है समाज में, राजनीति का, कूटनीति का जहर फैल रहा है। और जहर उगलने वाले तो यहां तक कहते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथों पर टिप्पणी करने लगे हैं, जहर उगलने वाले लोग हमारे धार्मिक ग्रंथों पर भी टिप्पणी करते हैं। और तभी तो किसी ने लिखा कि सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहां, सांपों के मुकद्दर में वो जहर कहां जो आजकल इंसान बातों में उगल रहा है। सांप आज बैठा बैठा हंस रहा है, सांप आज बैठा बैठा हंस रहा है। क्यों? क्योंकि आज इंसान ही इंसान को डस रहा है, आज इंसान ही इंसान को डस रहा है। लेकिन इंसान के रूप में जो सांप है, और ध्यान दें आप हैं महेश भैया यादव, आपकी ओर से भीष मुद्राएं, सुरेश चंद्र अमर सिंह यादव जी आपकी ओर से केश मुद्राएं, और वंशराज डीजे बिलारी मऊ आपकी ओर से केश मुद्राएं, रिंकू विश्वकर्मा 10 मुद्राएं, कल्लू भैया यादव आपकी ओर से 10 मुद्राएं, विपिन सैनी आपकी ओर से 10 मुद्राएं, और चंदन स्टूडियो बिलारी मऊ आप ये धर्म पाठशाला चैनल से सीधा प्रसारण देख रहे हैं, आपने भी 51 मुद्राएं महाराज जनक जी के लिए सपेम भेंट, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ये जहर उगलने वाले सांप ब्याजी ये बामियों में नहीं रहते, मानव रूप में ये जो जहर उगलने वाले सांप हैं ये बामियों में नहीं रहते, ये तो आस्तीन में रहते हैं। किसी ने लिखा सभ्यता विज्ञान की दासी बनी है, ये सभ्यता विज्ञान की दासी बनी है, और धार्मिक विश्वास अब छलने लगे हैं। बामियों में ढूंढता तू क्या अकिंचन, क्योंकि ये सांप, क्योंकि ये अब सांप आस्तीन में पलने लगे हैं, ये सांप अब आस्तीन में पलने लगे हैं। और हे महादेव के पावन पिनाक, आज आपको ये संसार छोड़ करके जाना है, आज आपको इस संसार को छोड़ करके जाना है और अकेले जाना है। क्यों? क्योंकि इंसान जब इस संसार से जाता है तो अकेले जाता है। आचार्यों ने लिखा धनानी भूमौ पशुओ ही गोष्ठे, नारी गृह द्वारी जना श्मशाने, तेहि चितायाम परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। साथ में कोई जाता नहीं, पत्नी मकान तक साथ देती है, पत्नी मकान तक, समाज के और परिवार के लोग श्मशान तक, पुत्र अग्निदान तक, और हमारे धर्म कर्म ये सब भगवान तक जाते हैं। एक शब्द आया श्मशान, ये श्मशान को श्मशान क्यों कहते हैं, श्मशान को श्मशान क्यों कहते हैं? श्मशान को श्मशान इसलिए कहते हैं जहां सबकी शान सम है, राजा भी पहुंचता है, धनवान भी पहुंचता है, तो उसको भी वहीं पृथ्वी में लिटाया जाता है,
कोई निर्धन व्यक्ति भी अगर वहां पहुंचता है शमशान में, उसे भी पृथ्वी में लिटाया जाता है जहां सबकी शान सम है, इसलिए उसका नाम है शमशान। और इस संसार को छोड़ करके एक न एक दिन तो संसार से सभी को जाना है। क्यों? क्योंकि इस संसार का ये नियम है, चार दिनों की प्रीति जगत में, चार दिनों की प्रीति जगत में, और ये चार दिनों के नाते हैं। अरे पलकों के, ये पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते मिट जाते हैं। ये पलकों के पर्दे पड़ते ही ये सब नाते मिट जाते हैं। और आप हैं गलको अग्रहरी, आपकी ओर से 51 मुद्राएं महाराज विदेश जी के लिए प्रदान हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनकी चिंता में तू जलता, जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तू जलता, वो ही चिता जलाते हैं। जल सम रक्त बहाया तुमने, जल में वही बहाते हैं, जल में वही बहाते हैं। और व्यवस्था क्या करते हैं, जिस समय घर का स्वामी चला जाता है तो व्यवस्था क्या होती है, घर के स्वामी के जाने पर, घर के स्वामी के जाने पर घर की शुद्धि कराते हैं। घर के स्वामी के जाने पर वो घर की शुद्धि कराते हैं। जिस समय वो चला जाता है चंद समय में ही लोग उसको भूल जाते हैं। और पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं, पिंड दान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। यही संसार की वास्तविकता है, यही संसार की सत्यता है मेरे बंधुओं। और हे प्रभु, आज आपके जाने का समय आ गया, आज आपको इस संसार छोड़ करके जाना है। और किसके लिए जाना है, तो मेरी बेटी के लिए जाना है। जनक की जानकी के हित प्रभो बलिदान हो जाए, और ये प्रतिज्ञा पूर्ण, ये प्रतिज्ञा पूर्ण हो जाए तो सिया की मांग भर जाए, वो सिया की मांग भर जाए, वो सिया की मांग भर जाए। प्रेमी सज्जनों, प्रेमी भक्तों, एक बार प्रेम के साथ जय घोष करें, प्रेम से बोले बोले श्री शंकर भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों ने, सुंदर प्रस्तुति महाराज जनक जी, सुंदर अभिनय देवेश पांडे जी जनपद बांदा। और देखें ये हमारे नामा राशि हैं हरिओम जी, आपके द्वारा 21 मुद्राएं जनक जी के लिए प्रेषित। अब आप लोगों के समक्ष भगवान की सुंदर लीला आगे बढ़ रही है। कमेटी के महेश भैया लाइए रजिस्टर, जल्दी लाइए। और देखें बहुत कम समय में मैं अनाउंस किए दे रहा हूं, ऐसा सुंदर आयोजन और ऐसे सुंदर कलाकार वृंद
बहुत कम मंचों में मिलते हैं, विद्वानों का समागम हुआ है। आज सुंदर रावण बाड़ा सुर संवाद आप लोग सुनेंगे। श्री रमन जी त्रिपाठी महानगर कानपुर और श्री जगमोहन सिंह जी चंदेल महानगर कानपुर दोनों उद्भट विद्वान हैं। तत्पश्चात जनक जी का कारुणिक विलाप पंडित श्री देवेश जी पांडे। तत्पश्चात सुंदर लक्ष्मण परशुराम संवाद परशुराम जी की भूमिका में महाराज प्रदीप जी पांडे महानगर कानपुर और लक्ष्मण जी की भूमिका में श्री लखन जी त्रिपाठी जनपद उन्नाव। तो सभी को सहयोग करना है, जिन लोगों का सहयोग न प्राप्त हुआ हो कमेटी को तो आप अपनी सहयोग राशि चंदा उपलब्ध करा दें। श्री ये रुद्र दत्त जी तिवारी जी सिलमी खागा निवासी वर्तमान में बोकारो झारखंड से लाइव यूट्यूब चैनल धर्म पाठशाला पर देखते हुए 51 मुद्राएं जनक जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। श्री राम मोहन पासवान 500 बिंदेश्वरी सेल्समैन 101 अनिल यादव 101 केशव गुप्ता फतेहपुर 101 मोहन नाई 100 नकुल श्रीवास्तव 100 रामेश्वर यादव 200 भिक्कू पासवान 101 11 किलो आटा संजय गुप्ता 101 सुनील गुप्ता पूर्व प्रधान जी 1100 प्रभु पासवान 200 जगरूप कश्यप 200 बुद्धा पासवान 100 ननकू रैदास 200 बुद्धा यादव 200 हरिश्चंद्र रैदास 200 रंजना देवी प्रधान जी वर्तमान प्रधान जी रंजना देवी जी की ओर से 3100 संत लाल सप्ताह 200 गिरजा सप्ताह 200 रामचरण पासवान 200 मीना दीरपाल 200 वीरेंद्र यादव 401 मुन्ना गोस्वामी 200 मुद्राएं तुलसी राम गोस्वामी 200 शिवसेवक यादव 250 चीनी रैदार 250 चीनी रैदास 250 अच्छा चैतू रैदास 250 पंचू रैदास 200 मुद्राएं नौरंगी सप्ताह 200 जगदीश प्रसाद गुप्ता 1100 भगवान दीन गुप्ता 501 छिट्टन हीरालाल रैदास 100 नंद किशोर साहू सेल्समैन 110 जगतपाल पासवान 200 रामबली गोस्वामी 200 विजय कुमार मौर्य 200 कल्लू यादव 200 अवध राम ठीक है गुप्त दान 2500 मुद्राएं 2500 गुप्त दान महाकल्याण अवध बिहारी यादव 500 रामचंद्र रैदास 200 राम खिलावन यादव 100 विजय कुमार मौर्य 100 राम शंकर यादव 200 फुलिया दीदी 200 महेश यादव जी 2001 मुद्राएं और हमारे श्री नरेंद्र पांडे जी कोटेदार साहब नरेंद्र पांडे जी भाई साहब की ओर से 2500 मुद्राएं 2500 मुद्राएं राम अवध यादव 200 गेंदालाल रैदास 100 पृथ्वीपाल रैदास 200 चंद्रपाल रैदास 100 राम सजीवन सोनकर 200 गरीबे जमादार 251 जयसिंह यादव 200 ननबुद रैदास 100 सूरतदीन यादव 200 प्रकाश चंद श्रीवास्तव 2500 ओम प्रकाश श्रीवास्तव फतेहपुर 500 गणेश शंकर सैनी 500 महेश पासवान हरिओम 200 श्री विशंबर पासवान 200 राम कृपाल लाठीबाज भाई बहुत बढ़िया लाठी चलाते हैं 200 मुद्राएं राजकरण पासवान 100 दुर्गा पासवान 101 धर्मपाल पासवान 200 रामदास यादव सिपाही 251 सुभाष रैदास 51 जगरूप यादव 100 संतोष सैनी 200 उषा सैनी आशा बहु 100 झल्ला